subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उनसे भी जो टीवी पे देखते हैं, रोज डेली चैनल चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, उससे भी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं कि रोज ही बॉडीज इधर उधर से आती हैं। तो इस वजह से लोग ज्यादा डर रहे हैं कि जो अस्पताल में जाता है वो वापिस नहीं आ रहा है। हर बार यही सवाल किया जाता है कि बहन जी जो जाता है वो वापिस क्यों नहीं आता है। जैसे बोल रहे हैं कि जी बॉडी क्यों सील होके आ रही है, कोरोना से बॉडी का क्या मतलब है, बॉडी के पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, डॉक्टरों की ये कमियां हैं, ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ये सब चीजें जो नेट और टीवी पे दिखाई जा रही है, यही लोग हमको सर्वे में बोल रहे हैं। द प्रिंट इज करेंटली इन बिचोली, अ विलेज इन मेरठ उत्तर प्रदेश। एज COVID-19 क्रिपल्स द कंट्री, इट हैज ऑल्सो सीप्ड इनटू विलेजेस ऑफ द कंट्री। टू टैकल दिस सिचुएशन, द अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू गो डोर टू डोर एंड कंडक्ट सर्वेज टू गेज हाउ मेनी ऑफ देम आर एसिम्प्टोमैटिक एंड आउट ऑफ द सिम्प्टोमैटिक हाउ मेनी आर पॉजिटिव। कम लेट्स सी हाउ द सिचुएशन इज ऑन ग्राउंड। As per the Daily Health Bulletin on 10th May, Meerut reported 2,269 cases, the highest of any district in the state and second only to Lucknow at 1,274. The total cases in the district now stand at 14,007 and 586 deaths. ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए और 15 अप्रैल के बाद काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। और अभी जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अभी हमने मई के फर्स्ट वीक में शुरू किया है कि कुछ केसेस ये भी देखने में आ रहा था सेकंड वेव में कि रूरल एरिया से भी आने शुरू हुए हैं। उससे पहले ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस 80% सब अर्बन एरिया से ही आते थे, लेकिन अब कुछ केसेस हमारे रूरल एरिया से भी आ रहे हैं। However, several reports reveal a COVID crisis unfolding in Uttar Pradesh's rural areas, blaming the recently conducted panchayat polls for this deadly surge. As of 10th May, there are 677 COVID cases in Meerut's rural block. Hastinapur tops with 165 cases, followed by Rajpura at 102 and Daurala at 76. Kharkunda has 27 cases. उत्तर प्रदेश में ही 5 तारीख से एक कैंपेन शुरू किया गया है और वो सभी रूरल एरियाज़ में जितने भी हमारे घर हैं उनको हमें कवर करना है। और वहाँ किसी भी तरीके का अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति मिलता है तो हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और उनको वहीं पे ही मौके पे ही मेडिसिन किट उपलब्ध कराते हैं। वैसे तो सर्वेलेंस हमारा चलता ही रहता है, लेकिन एक इंटेंसिव सर्वेलेंस चलाया गया हमारा, जैसे हमने पोलियो को भगाया है उसके बेस पर हमारा एक माइक्रो प्लान बना हुआ है जो लगभग 5 दिन तक टीमें काम करती है। हर गांव में घर के नाम लिखे हुए हैं, इस घर से स्टार्ट होगा, इस घर तक चलेगा फर्स्ट डे। उसमें टारगेटेड घर का नंबर है, जैसे 100 या 120, उसमें फिक्स है। तो हमारा फर्स्ट डे जो टीम जहां से काम करती है वहां तक वो पूरा किया है। और प्रत्येक गांव में जितने भी घर थे वो हमारी टीम के द्वारा कवर किए गए हैं। हर टीम में एक आंगनवाड़ी और एक आशा, 2 सदस्यों की टीम बनाई गई थी इस बार। While primary health care centers and rapid response team are continuously monitoring and providing medicine for 6,000 people who are currently home isolated, the vaccination process has gained momentum. नहीं, अब तो आपाधापी मची हुई है यहाँ पे। अब सभी लोग खास तौर से 18 to 44 ईयर्स वाले जितने हैं सभी लोग लगवाना चाह रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पर 120 का बुकिंग था, जिसमें से कि कई लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनके पास शायद बुकिंग नहीं हुई होगी, बाकी रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो अब तो लगवा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि डर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, लोग अवेयर हैं कोरोना को लेके इस बार पिछली बार से ज़्यादा, और अगर कोई चीज़ निकलती है तो उसके बारे में पूछते भी हैं। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, कंट्रोल रूम में भी काफ़ी आती हैं, और लोग हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क भी कर रहे हैं, जो हमारे गाँव के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर भी वो जाके दवाई ले रहे हैं, बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और बीमारी है ज़रूर बिल्कुल, लेकिन हमें उसको धैर्य के साथ ही
पराजित भी करना है। विद तरण देओल, दिस इज रीति अग्रवाल रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट फ्रॉम मेरठ।